हाय एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका शर्मा है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से हूँ। सो आज का जो मेरा विषय है इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर सब स्पेशलिटी, दैट इज़ रीजनरेटिव एंड एस्थेटिक गायनेकोलॉजी एट आवर सेंटर। सो हम एक नई स्पेशलिटी स्टार्ट कर रहे हैं फोर्टिस में, दैट इज़ रीजनरेटिव एंड एस्थेटिक गायनेकोलॉजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच को, मैं हूँ प्रिंस गर्ग। आज हमारे साथ डॉक्टर शर्मा मौजूद हैं। बातचीत करेंगे जो आज की महिलाओं और लड़कियों में खासकर जो दिक्कतें आती हैं वजाइना को लेकर। काफ़ी लोग पूछते हैं कि इनकी क्या चीज़ें होती हैं, क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, क्या कॉजेज हैं। तो आज सारी बातचीत डॉक्टर शर्मा जी से बात करेंगे, इनसे बातचीत पूछेंगे। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। सो फीमेल्स में अभी जो आजकल कॉमन है, जैसे कि वजाइनल डिस्चार्जेस जिसको ल्यूकोरिया कहते हैं, दैट इज़ वेरी कॉमन। देन वेजाइनल प्रोलैप्स, बच्चेदानी का बाहर निकलना, और SUI, यूरिन का लीक होना, जैसे भी खांसते हैं या छींकते हैं, और वे वजन उठाने पे। सो उस टाइम अगर यूरिन लीक होता है तो उसको SUI कहते हैं, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। और GSM है जिसको पोस्ट मीनोपॉजल सिंड्रोम कहते हैं, जेनिटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मीनोपॉज, जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार UTI की प्रॉब्लम आती है उस एज में, एंड देन वेजाइनल इचिंग रहती है और बर्निंग सेंसेशन उसको फील होती है। सो ये सब क्वाइट कॉमन है बिटवीन 20-40 का एज ग्रुप है, और इसमें इसके कारण बहुत से हो सकते हैं, जैसे कि एज फैक्टर। जैसे बढ़ती एज में जैसे मीनोपॉज आएगा, हॉर्मोन्स बॉडी से चले जाते हैं एंड उनकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं। श्रिंकेज होने लग जाता है टिश्यू का, टिश्यू इतना लूज लैग्स हो जाता है कि वो ऑर्गन्स को होल्ड नहीं कर पाता अच्छे से। एंड देन चाइल्ड बर्थ की वजह से, वेजाइनल डिलीवरीज की वजह से ये प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रेचिंग रहती है मसल्स की उसमें भी। देन इज़ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में इतना वेट गेन रहता है और बॉडी में इतना प्रेशर्स रहते हैं कि दैट ऑल प्रेशर्स दे आर हेडिंग टूवर्ड्स द वेजाइना एंड जेनिटल ऑर्गन्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। सो प्लस लाइफस्टाइल में, जैसे अगर ओवरवेट फीमेल है, प्लस जो स्मोक करती हैं फीमेल्स, उनको क्रॉनिक कफ रहता है जिसकी वजह से ये नॉर्मल प्रेशर्स रहते हैं। तो डॉक्टर, बिल्कुल आपने बताया, जो आम जो महिलाएं हैं घर पे रह रही हैं, तो वो इस डिसीज़ से कैसे बच पाएँ, क्या ऐसी प्रिकॉशन रख पाएँ? सो एक हम कीगल्स एक्सरसाइजेस कहते हैं पेशेंट को कि वो करना ज़रूरी होता है, वो आप अपने डॉक्टर से समझ सकते हैं कि वो क्या है और कैसे करनी है। प्लस अगर लाइफस्टाइल को लेके चले तो हेल्दी डाइट, कि जिसमें कॉन्स्टिपेशन वाले कोई ना रहें, जैसे कि हेल्दी फाइबर ईटिंग रखें, प्लस अपना स्मोकिंग ये सब छोड़ना है उसमें। सो दीज आर द लाइफस्टाइल मेजर्स, और वेट गेन ना होने दें। और अगर ये वंस दे आर देयर, अगर ये प्रॉब्लम अब एस्टेब्लिश हो चुकी है, सो देन यू शुड मीट योर डॉक्टर एंड टॉक अबाउट दिस थिंग, बिकॉज दिस इज समथिंग नॉट नॉर्मल। डॉक्टर, वन मोर थिंग, और आज की लड़कियों में देखा जा रहा है कि उनको जो डेट होती है मंथली, वो या तो समय पे नहीं आती हैं, लेट आती हैं, या लगातार आती हैं, इसमें क्या क्या मेन कारण रह सकता है इस चीज़ को? दिस इज़ मेनली द लाइफ स्टाइल। अर्लियर फीमेल्स को बहुत काम होता था एंड मैनुअल वर्क बहुत करते थे, अभी नाउ इट इज़ मोर ऑफ सिटिंग जॉब्स हैं हमारी, एंड देन वी आर जस्ट ईटिंग एंड सिटिंग द इंटायर डे। सो दैट फिजिकल एक्टिविटी का ना होना बॉडी में, इट इज़ क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ दिस हार्मोनल इम्बैलेंस। बिल्कुल, ये हमारे से डॉक्टर शर्मा थे जिन्होंने बताया पूरी बातचीत जो आजकल महिलाओं में दिक्कतें आ रही हैं उनको लेकर। आप देख रहे हैं सच कहूँ। धन्यवाद।